बिका तो पैसा, नहीं तो दरवाजे का शोभा। क्या जवाब है भाई साहब? सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका दोस्त आपके साथ है। तो गाइस, आज मैं आपको सासाराम का जो मेन मार्केट है धर्मशाला और यहाँ का जो गोला मार्केट है, काफी फेमस मार्केट है सासाराम का। तो आज मैं आपको जो सासाराम का मेन मार्केट है एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो काफी इंटरेस्टिंग आज का ब्लॉग होने वाला है, आप लोग इस ब्लॉग में बिल्कुल इन तक बने रहेगा। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो सासाराम रेलवे स्टेशन, बाहर से व्यू काफी खूबसूरत। यह रेलवे स्टेशन है आप देख सकते हो, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा भारत देश का प्यारा तिरंगा शान से लहराता हुआ। बहुत ही गर्व महसूस होता है अपने भारत देश को तिरंगा को देखकर। तो यहाँ से अभी हम लोग चलने वाले हैं मेन रोड पर, और वहाँ से आपको जो धर्मशाला मार्केट है वहाँ पर आपको लेके चलूंगा। और भाई साहब, सासाराम का जो धर्मशाला है, सासाराम में सबसे बिजीएस्ट जगहों में से एक है, मतलब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है। तो गाइस, जब हम लोग रेलवे स्टेशन से बाहर आ चुके हैं, और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर गांधी चौक, यहाँ पर आप देख सकते हो गांधी चौक, और देख सकते हो यहाँ पर इसके बगल में यहाँ पर है होटल जेड डिलक्स, मतलब बहुत ही बड़ा यह होटल है सासाराम का। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो सासाराम धर्मशाला रोड में आप देख सकते हो गांधी चौक, और यहीं पर रोड पर बहुत सारे लोग यहां पर लीची के दुकान लगाए हुए हैं। लीची 80 रुपए किलो है, लीची खाने से बहुत फायदा होता है और 10 लीची मिलेगा। तो गाइस, अभी हम लोग हैं सासाराम के धर्मशाला रोड पर, और अभी अपने किसी जगह पर यहां पर ये रोड है धर्मशाला रोड में जाने के लिए। तो अभी मैं आपको जो सासाराम का यहाँ पर काफी फेमस यहाँ पर डोसा मिलता है, उस डोसे के दुकान पर लेकर चलने वाला हूँ अभी। तो गाइस, अभी आपने वहाँ पर गांधी चौक देखा, और वहाँ पर उसी रास्ते से आप धर्मशाला रोड में जा सकते हैं, जो कि सासाराम का काफ़ी फेमस मेन मार्केट है। वहाँ पर बहुत ही भीड़ होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर नायका गांव है यहाँ पर सासाराम में। यहीं पर ढोसा का दुकान है जो कि काफ़ी फेमस है, वहीं पर आपको अभी लेकर चलने वाले हैं। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं सासाराम के सबसे फेमस ढोसा शॉप पर, आप मेरे पीछे देख सकते हो, मतलब सासाराम का सबसे फेमस ये ढोसा शॉप है। तो अभी आप देख रहे हो सासाराम का सबसे फेमस ढोसा शॉप, अभी यहाँ पर ढोसा बनाया जा रहा है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर सासाराम का जो सबसे फेमस ढोसा शॉप है वो मैंने आपको दिखाया, और आप देख सकते हो यहाँ पर सासाराम का ये नायका गांव है, इधर में बहुत सारे शॉप भी ओपन हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको यहाँ का जो मार्केट है वो आपको एक्सप्लोर करते हैं, इसके बाद जो धर्मशाला रोड है वहाँ पर आपको लेकर चलेंगे। तो गाइज, अभी आप यहाँ पर ढोसा शॉप देख सकते हो, और ठीक इसके बगल में आप देख सकते हो यहाँ पर है पैराडाइज टेलर्स, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी सूट कोट है यहाँ पर बनाए जाते हैं। पैराडाइज टेलर है, हम लोग का कोट पैंट सीते हैं, हम लोग टेलर मास्टर बोले बजा कोट पैंट शर्ट सिलाता है, हम लोग सभी प्रकार का कपड़ा सीते हैं, हम लोग सब अच्छे कारीगर द्वारा सीते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग नायका गांव जो कि ठाकुर मार्केट है उसके अंदर है, इधर में आप देख सकते हो ठाकुर मार्केट में ज्यादा तो दुकानें बहुत कम ही है। तो चलिए चलते हैं, आपको धर्मशाला रोड लेकर चलते हैं। और अब हम आ चुके हैं सासाराम के धर्मशाला रोड में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सासाराम का धर्मशाला रोड है, मतलब सासाराम का सबसे बिजिएस्ट जगह है ये, और सासाराम का यह सबसे बड़ा मार्केट भी है, यहाँ पर आपको हर एक चीज मिल जाएगी। और अभी आप देख रहे हैं धर्मशाला रोड में फल की दुकानें लगी हुई है। तो गाइस, चलिए अब आपको जो सासाराम का मेन मार्केट है वो हम आपको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही आप धर्मशाला रोड के अंदर आएगा तो सबसे पहले आप यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मिलता है फेमस लस्सी, और यहाँ का दही बड़ा भी काफ़ी फेमस होता है। और गाइस, जब भी आप देख सकते हो सासाराम का सबसे फेमस लस्सी दुकान, और यहाँ पर आप देख सकते हो दही बड़ा भी मिलता है, और दही बड़ा भी यहाँ का काफ़ी फेमस है, और यहाँ पर आप देख सकते हो दही बड़ा कैसे यहाँ पर दही बड़ा मिलता है, 100 रुपये पीस है, और लस्सी कैसे है, 30 रुपये गिलास। क्या खासियत है इस लस्सी का यहाँ का, ठंडा दही बड़ा है, गर्मी को भाई साहब यहाँ पर आप देख रहे हैं लस्सी के ऊपर यहाँ पर मलाई डाला जा रहा है। भाई साहब यहाँ का लस्सी वाकई में काफी टेस्टी होता है।
और गाइस यहाँ पर हमारा एकदम मस्त दही बड़ा आ चुका है। चलिए हम भी इसको खाते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पर बहुत बार खाया है, बहुत मस्त लगता है, लाजवाब है भाई साहब। तो अभी आपने यहाँ पर दही बड़ा शॉप देखा, तो चलिए चलते हैं और आगे, और भी यहाँ का बहुत सारे मार्केट है वो आपको एक्सप्लोर करते हैं। इधर में आप देख सकते हो, इधर में जनरल स्टोर की दुकानें हैं। और अभी आप देख सकते हो धर्मशाला रोड में टाइटेनियम शॉप, यहाँ पर आपको हर एक तरह की यहाँ पर वॉच मिल जाएगी। और देख सकते हो यहाँ पर दुकान में बहुत खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर वॉल वॉच है। अच्छा, यहाँ पर किस किस रेंज में घड़ी मिल जाएगा हमको? 500 रुपये से लेकर के 1000, 2000, 3000, मैक्सिमम 25000 तक मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर स्मार्ट वॉच भी है, यहाँ पर आपको स्मार्ट वॉच भी मिल जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो मारवाड़ी भाषा ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी यहाँ पर भोजन मिलता है आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हो खादी भंडार, यहाँ पर आपको खादी कपड़ा मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो परिवार निकेतन शॉप है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या मिलता है? यहाँ पर साड़ी मिलेगा, सूट मिलेगा, लहंगा मिलेगा। और क्या क्या? और आपको हर तरह का कपड़ा मिलेगा। और क्या खास यहाँ पर मिलता है? खास चुंदरी मिलेगा, मच्छरदानी मिलेगा। किस 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 रेंज में आप रखते हैं यहाँ पर? यहाँ पर आपको कम सर का ज़्यादा कर दिया। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर हर एक सामान मिल जाएगा इस धर्मशाला रोड। और यहाँ पर आप देख सकते हो ऊन भंडार, ऊन महल, यहाँ पर आपको खासकर ऊनी कपड़े मिल जाएंगी। तो आप इस दुकान के खासियत के बारे में बताइए कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है और क्या खास है यहाँ का? इस दुकान पर आपको ऊन मिल जाएगा, वुलन प्रोडक्ट, छाता मिल जाएगा, रेनकोट मिल जाएगा, गार्डन अम्ब्रेला भी मिल जाएगा जो गार्डन वगैरह में लगाया जाता है, स्टॉल मिल जाएगा, लेडीज स्टॉल, दुपट्टा भी मिल जाएगा। और अभी आप देख रहे हैं ऊन भंडार दुकान को, यहाँ पर आपको ऊन से बनी हुई हर एक यहाँ पर आइटम मिल जाएगी। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर ऊन भंडार दिखाया, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऊन का स्पेशल शॉप है, जो भी आपको ऊनी कपड़ा लेना है आप यहाँ पर ले सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बेल्ट और जूते मिलते हैं। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे वेराइटी के यहाँ पर शूज है, 400 रुपये से लेके 4000 रुपये तक मिल जाएगा। अच्छा, और बेल्ट? बेल्ट आपको मिल जाएगा 50 रुपये से लेके 1500 रुपये तक। और क्वालिटी कैसा रहता है बेल्ट का? क्वालिटी लेदर में स्टार्ट हो जाएगा 250 से 1500 रुपये तक जाएगा, और रैक्सिन में 80 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको करीब 160-170। यहाँ पर लेनोवो स्टोर है, यहाँ पर आपको लेनोवो का जो भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो सभी आपको मिल जाएगी। और अब हम लोग लेनोवो स्टोर के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो पीसी से लेकर यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप भी मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो सामने टोपी वाला शोरूम, भाई साहब ये देख लो, सासाराम में सबसे बड़ा यहाँ पर टोपी का शोरूम है, यहाँ पर आपको हर एक तरह का टोपी मिल जाएगी। तो भाई चलिए चलते हैं शोरूम के अंदर, आपको यहाँ का जो टोपी वाला शोरूम है आपको दिखाते हैं। भाई जब हम लोग शोरूम के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग वेराइटी के यहाँ पर टोपी है। तो अभी आप यहां पर देख सकते हैं ये शोरूम के ओनर हैं, किस किस रेंज में हमें यहां पर कैप ले सकते हैं? हमारे यहां हर रेंज में टोपी मिलेगा, टोपी के अलावे पैंट, शर्ट, टाई, बेल्ट, पर्स, टी शर्ट,
रुमाल ये सब चीज़ें बेचते हैं और सभी चीज़ें जो है बढ़िया क्वालिटी की मिलेगी। हमारा दुकान जो है करीब 35 साल से चल रहा है। और भाई साहब यहाँ पर आपको सिर्फ टोपी ही नहीं बल्कि यहाँ पर आपको प्लांट भी मिल जाएंगे, तो ये सब भी आप ही का है? हाँ, हम ही जो है प्लांट बेचते हैं। अच्छा, मेरा मूल मकसद है कि सभी लोग जो है अपने घर के आगे जो है हरियाली लगाएं। हम भी मान के चलते हैं कि हरियाली है तो खुशहाली है। अच्छा, बिका तो पैसा नहीं तो दरवाजे का शोभा। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कुशवाहा मार्केट, यहाँ पर आप देख सकते हो साड़ी का यहाँ पर एक दुकान है। और ठीक इसके बगल में आप यहाँ पर देख सकते हो ये है सासाराम का सबसे फेमस इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, मतलब इस वाले मार्केट में यहाँ पर आपको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं यहाँ पर मिल जाएगी। सासाराम का फैंसी मार्केट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट मिलते हैं सिर्फ, इधर में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो फैंसी मार्केट में यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मोबाइल का कवर मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो A1 मोबाइल एसेसरीज, सासाराम का नंबर वन कवर स्टोर है। इस दुकान पर आपको हर एक मोबाइल का यहाँ पर आपको कवर मिल जाएगी। मतलब देख लो भाई साहब बहुत ही बड़ा ये मार्केट है। अभी तो ये देख रहे हैं ये शुरुआत है, इसमें अगर आप आइएगा तो मतलब भूल जाइएगा इसमें भाई साहब, इतना बड़ा ये मार्केट है। और ख़ास बात इस मार्केट के ये है कि आपको यहाँ पर हर एक इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिल जाएगा। आपको यहाँ पर कूलर टीवी एसी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक का छोटा सा पार्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। भाई साहब बहुत ही बड़ा ये मार्केट है, इसको अगर एक्सप्लोर करने चल देंगे तो एक वीडियो इसका बन जाएगा सेपरेट।